हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद इंस्टीट्यूट। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन की शेप में एक वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। हाइट 8 है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, पहले ये चीज लिख देते हैं। रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। व्हेन लीड सॉर्ट्स ईच ऑफ व्हिच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर कांच की गोलियां डाली गई हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है? जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आर ड्रॉप इन टू वेसल। ये सब पानी के अंदर डाल दी गई है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब इनको इसके अंदर डाला है तो 1/4 पानी जो है बाहर आ गया, टोटल का 1/4। फाइंड द नंबर ऑफ सॉर्ट्स। तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स एक्स डालें। अब जो समझने की बात यह है कि 1/4 पानी बाहर निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड सॉर्ट, एक लीड सॉर्ट का वॉल्यूम इनटू एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ? टोटल जितनी गोलियां इसके अंदर डाली हैं उन सब का वॉल्यूम हो गया हमारा। वो साइंस में हम पढ़ चुके हैं बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पानी जितना बाहर आएगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितनी ये कांच की गोलियां डालेंगे उतना ही पानी यहाँ पे बाहर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसके इक्वल होगा ये सारी एक्स लीड सोर्स का वॉल्यूम? 1/4 जितना पानी बाहर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। बस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स होगा 4/3 πr³। 1/4 और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, पानी कहाँ से निकला? कोन में से। तो 1/3 πr²h। ये कैलकुलेशन करनी है और हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। पाई से पाई कट गया, थ्री से थ्री कट गया, बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लीड सॉर्ट का वॉल्यूम है 0.5 1/4 और कैपिटल आर कितना है रेडियस इसका? कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 × 5 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन काफी आसानी से होने वाली है, देख सकते हो। ये इससे कट गया, आ गया हमारा 2। एक्स इक्वल टू हो गया 5 × 5 × 2 / 4 × 0.5 0.5 0.5। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 10 10, ये डेसिमल हट गई है सारी। अब 5 से 5 कट गया, ये वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, 5 से कट गया 2 2 से 1 कट गया और फिर 2 से 1 कट गया। 100 लीड सॉर्ट्स जो है हमारी उसके अंदर डाली गई हैं, जिससे कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव आउट, इतना पानी बाहर निकल गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था।